हाँ जी नमस्कार, भव्य एंड हर्ष व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सूजी की बर्फ़ी बनाना सिखाएंगे। ये देखिए, हम आज आपको जो है सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, और हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे अब मैं इसकी आपको जो है इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, क्या क्या डलेगा और कैसे बनेगी, ज़रूर देखें। हाँ जी नमस्कार, भव्य एंड हर्ष व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सूजी की बर्फ़ी बनाना बताएंगे। और ये जो है मैंने एक बड़ी कटोरी जो है सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको एक बार मिक्सी में पीस लीजिए, क्योंकि सूजी जितना बारीक होगी बर्फ़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसके बाद मैंने जो है इधर कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको जो है इसमें ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे, धीमी आंच पर भूनना है। इसको धीमी आंच पर भूनेंगे कुछ देर के लिए। ये देखिए, ये देखिए हमारी सूजी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें जो है चीनी डालेंगे। जितने कप सूजी थी हमारी, एक कटोरी सूजी थी, तो मैंने जो है चीनी को यहाँ पीस लिया था। अब पीसी हुई चीनी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा इसको। अब हम इसमें जो है एक कटोरी दूध डालेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर से कोई डेकोरेशन करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने जो है नारियल लिया है कसा हुआ, वो डालेंगे। ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है और मैं इसको इसमें डाल दूंगी और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। और इसको जो है हम प्लेट में निकाल के थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, बिल्कुल हलवे की तरह है। और ऐसे मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा टाइट हो जाएगा जब हम इसको प्लेट में घी लगाकर जो है निकाल लेंगे और फ्रिज में रखेंगे। फिर इसको ड्राई फ्रूट वगैरह ऊपर डाल देंगे इसके डेकोरेशन के लिए। ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये अपने आप बर्फ़ी की शेप में आ जाएगा। और पकने दें थोड़ा। ये देखिए, मैंने थाली में जो है चिकना लगा लिया था, घी लगा लिया था मैंने। और अब हम जो है अपनी गैस बंद कर देंगे और हम इस मिक्सचर को जो है अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने इसको जो है प्लेट में निकाल लिया है। गरम है अभी, ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। आप चाहे तो इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, बहुत इजी है। आप चाहे तो जो है बर्फ़ी का कलर जो है सूजी को ज़्यादा भून सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ब्राउन पसंद करते हैं, लेकिन मैं जैसा पसंद करती हूँ मैंने वैसा बना लिया है। अब हम इसको जो है फ्रिज में रख देंगे कुछ देर के लिए। जब ये जम जाएगा तब इसकी डेकोरेशन करेंगे। हाँ जी, अब देखिए ये हमने जो है इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया। इसको हम पीसीज में कट करेंगे। अब हम इसको जो है 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जब तक ये ठंडी ना हो जाए, जम ना जाए। फिर इसके जो है पीसीज कट करके आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये देखिए हमारी जो है
रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, सूजी की बर्फी। इसको हमने 15 मिनट के लिए जो है फ्रिज में जमा दिया था। और ये देखिए, फ्रीजर में नहीं, आइस वाले बॉक्स में नहीं जमाना है, इसको फ्रिज में रख देना, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद जो है हमने इसको पीसेस में कट कर लिया है। हाँ जी, ये देखिए हमारी जो है सूजी की बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी खा लीजिए और ट्राई कीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।